अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट अराउंड 42,011 के पास बंद रही। 10 पॉइंट मार्केट में सिर्फ पॉजिटिविटी का आज हमने देखा। आज मार्केट ने एक इंट्राडे हाई लगाया 42,084 का और इंट्राडे लो लगाया 41,912 का। और अल्लाह का शुक्र जो लेवल दिया गया था 41,900, उसी से ही मार्केट बाउंस बैक हुई। वॉल्यूम्स के अंदर एक अच्छा इजाफा हुआ, 94 मिलियन के करीब वॉल्यूम्स के ऐसे 100 इंडेक्स में लगे, जबकि ऐसे ऑल शेयर में 155 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। और अल्लाह का शुक्र है जो स्टॉक्स आपको बताए जा रहे थे वीडियोज़ के थ्रू, जैसे कल के दिन TPLP आपको बताया गया था, जो आज हमने देखा TPLP में एक अच्छा इजाफा हुआ। अराउंड एडजस्टमेंट के बाद जो उसकी क्लोजिंग आई है 18.65 रुपये के आसपास आई है, तो उसके अंदर एक अच्छा इजाफा हुआ। और हम वक्त बा वक्त आपको स्टॉक्स बताते गए जिनके अंदर आपका पहले की वीडियोस में भी आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर पे काफ़ी फोकस करवाया, जिनके अंदर आपका AVN TRG मुख्तलिफ स्टॉक्स थे। TRG का खसूसन आपको बताया गया था कि अब ये न्यू हाई देगा, 100 रुपीज़ प्लस के ऊपर जाएगा वो, जब वो 95 के लेवल पर था। वो सब आपको वीडियोज़ के थ्रू हमने आपको गाइड किया, मुसलसल गाइड किया। और आप देखेंगे तो बजाय तो मार्केट सिर्फ 10 पॉइंट प्लस हुई, लेकिन हमारे गिवन स्टॉक्स ने आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन दे दिया, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसके अंदर सेकंड थर्ड टीयर के स्टॉक्स हो गए, उनके अंदर कल के दिन कैपको का आपको बताया गया था हमारे गिवन लेवल के पास वापसी वो आता हुआ भी दिखाई दिया। तो मेरा कल आपको यूनिटी का बताया था कि इसके अंदर मंदी है, आज उसने परफॉर्म भी नहीं किया यूनिटी ने। तो बहरहाल इस तरीके की कई कॉल्स दी गई, तो अब आज हम वापसी मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं। बहरहाल आज तो मार्केट सिर्फ 10.5 पॉइंट के करीब प्लस रही टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर। अच्छा, उसके पहले अगर हम सबसे पहले डॉलर को देखें तो इंटरबैंक में जो आज क्लोजिंग आई है डॉलर की, वो 234.32 के पास आई है, 234.32 रुपये की क्लोजिंग आपकी के डॉलर की इंटरबैंक पे आई है। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ है। अच्छा, बहरहाल इसका एक वजह ये थी कि इंटरनेशनली डॉलर के अंदर एक इजाफा हुआ। कल के दिन हमने देखा कि US के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए वो US की मार्केट के लिए नेगेटिव थे। जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनके यहाँ भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। उसकी वजह से कल के दिन हमने मासिव सेलिंग, एक ब्रेकआउट आप कह लीजिए, जिसकी वजह से अराउंड आपका जो नास्डैक है वो 5% के साथ नेगेटिव साइड पर बंद रहा। इंडिया की मार्केट को भी देखें तो 224 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। तो जब भी US के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि सर्कुलेशन रुक जाएगा, मार्केट का सप्लाई डिमांड। बहरहाल वो एक डिटेल टॉपिक है, हम अभी उसकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन ये कि इंटरनेशनली डॉलर के अंदर एक इजाफा हुआ। कमोडिटीज़ को देखा जाए तो इस वक्त क्रूड ऑयल 87.67 के पास ट्रेड कर रही है, इसने अराउंड 85 के करीब अपना लो भी लगाया था। बहरहाल गोल्ड भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे आया है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ नज़र डाल ले तो TRG आज अच्छा परफॉर्म करता रहा। एडजस्टमेंट से पहले ये तकरीबन 104 के पास था, एडजस्टमेंट भी, क्योंकि आखिर में हमने अच्छी मोमेंटम देखा मार्केट में। के इलेक्ट्रिक 5 पैसे नेगेटिव, हबको के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली। सिनर्जी को देखा जाए तो 2 पैसे नेगेटिव, आज जैसे 5 रुपये का लेवल ब्रेक किया लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं होता हुआ दिखाई दिया। हैस्कॉल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की रही। WTL नील बंद रहा। कैपको 81 पैसे पॉजिटिव। TPLP आप देख लीजिए 53 पैसे के करीब पॉजिटिव रहा है। PRL 17.56 पे बंद रहा। GGL तकरीबन 50 पैसे पॉजिटिव बंद रहा। तो आप एडवांसेस को अंदर देखेंगे तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक के सिवाय PNSC इसने डिविडेंड दिया, ओवरऑल अच्छी कंपनी है, इसकी वजह से आज पॉजिटिव रही। सर्विस की बात की जाए, सर्विस इंडस्ट्रीज, तो इसके अंदर भी आज थोड़ा इजाफा हम लोग को देखने को मिला। जहाँ बेरा टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर देखा जाए अगर तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक हैं सिवाय जैसे PICI इंश्योरेंस, इसमें भी ज़्यादातर कोई काम नहीं करता है। इसके अलावा देखा जाए तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। अब हम आ जाते हैं अगर डेली एक्टिविटी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर TRG 61 पॉइंट के साथ, फिर हबको 50 पॉइंट, ई फर्टिलाइज़र 13 पॉइंट, फिर OGDC हमने देखा काफ़ी टाइम बाद ऑयल सेक्टर के अंदर कुछ रिकवरी के बनती हुई नज़र आई, फिर सर्विस इंडस्ट्रीज़ पर कैपको, PPL, मारी, ILP, सिस्टम पैकेजेस, फातमा फर्टिलाइज़र, KTML, थल और FFC। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो फिर UBL आपके 38 पॉइंट के साथ नेगेटिव, HBL। तो आज कल के दिन जो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा था आज वो प्रॉफिट टेकिंग के अंदर, आप देख सकते हैं निजान, UBL, HBL, ये सब आज हम लोगों को प्रॉफिट टेकिंग साइड पे नज़र आया। उसके बाद MTL हो गया, कल काफ़ी पॉजिटिव था, फिर NATF, FCCL, चिराट, NBP, POL, FML, दाऊद, JLI, CL, लॉटे केमिकल और हेस्कॉल, ये जो है आपकी
बेसिकली नेगेटिव साइड पे बन रहे हैं। बहरहाल ये तो हो गया थोड़ा आज की मार्केट का लुक। अब चलते हैं हम के डेली टाइम फ्रेम पे और इंट्रा कल के हवाले से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कल मार्केट कैसी परफॉर्म कर सकती है। बहरहाल आज की अगर मार्केट की क्लोजिंग को देखा जाए तो जाहिर सी बात है कल से ऊंची क्लोजिंग है मार्केट की और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है सिंस 5th of September। तो ये 10 दिन के आप समझ लीजिए 10 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है मार्केट में। वॉल्यूम्स के अंदर एक अच्छा इजाफा हुआ है जो कि एक और गुड न्यूज़ है मार्केट के लिए। और इस वीक के जो कि अभी तक मंडे ट्यूसडे ही हुआ है, बहरहाल थर्ड सेशन था इस वीक का, तो इस वीक के भी हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन हमने मार्केट में लगते हुए देखे। बहरहाल तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप आज की मार्केट को देखें तो आज की मार्केट ने ना ही कल के दिन का हाई को ब्रेक किया ना ही कल के दिन का लो को ब्रेक किया, और तो क्लोजिंग हाई है। यही चीज़ आप 3 दिन से मुसलसल देख रहे हैं। मार्केट जो है ये आप देखेंगे जो पहले दिन जो पहले वीक का जो पहला दिन था उसका जो हाई और इसका जो लो था, मार्केट इन दोनों दिनों में इसको ब्रेक करने में नाकाम रही। इवन आज की जो मार्केट जिसने कल के दिन के भी हाई ना ही लो को ब्रेक किया, तो एक ये रेंज बाउंड मार्केट है बेसिकली, उसके अंदर मुख्तलिफ स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल मार्केट मज़ीद अगर हम देखते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम पर तो डेली टाइम फ्रेम में तो बहरहाल कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। वो है आप लोगों को अगर पहले की चीज़ें कुछ याद करवा दूँ मार्केट की, क्योंकि मैं काफ़ी गैप गैप के साथ याद करवाता हूँ कि मार्केट ने रिसेंटली एक रैली की थी तकरीबन 39,500 से अराउंड 44,000 के आसपास तक ये मार्केट ने रैली की। उसके अगेंस्ट मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं ली थी, तो उसकी एक करेक्शन आई मार्केट के अंदर। और उसके बाद हमने यहाँ पे आपको कुछ बाय कॉल भी दी थी, बहरहाल काफ़ी स्टॉक्स की बाय कॉल्स दी उन्होंने, यहाँ से परफॉर्म भी किया। और यहाँ पे अब आप जो देखेंगे मार्केट को, तो अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट ने फॉल लिया 43,900 से, अब उसके अगेंस्ट मार्केट एक अप मूव बनाने की कोशिश में है जो कि मिनिमम यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट ऊपर बनता है। जो ये लेवल्स पहले भी दिए गए, वंस अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, 42,500 से लेकर 43,000 का जो लेवल है, इधर मार्केट मूव करती हुई दिखाई दे रही है अगर मार्केट इस जो करेक्शन उसकी रिकवरी लेती है। और उसका जो शर्त है वो ये कि मार्केट अपने जो लो लगाया हुआ है 41,600 उसको ब्रेक ना करे, तभी ये लेवल्स रहेंगे। अगर ये मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है तो फिर वो लेवल्स सभी चेंज हो जाएंगे। बहरहाल अभी कुछ आपको सिचुएशन समझा दी गई है, मार्केट एक रिकवरी लेना चाहिए और फिर हम देखेंगे अगर 43,000 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, करना चाह रही है, फिर हम देखेंगे भाई मार्केट के अंदर मजीद 1,000 से 2,000 पॉइंट की तेज़ी होनी है या नहीं होनी, वो बहरहाल आगे आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बारिशें हुई है इससे हमारा क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ही डैमेज हुए। ठीक है, अब क्रॉप्स आपके वापसी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, अब क्रॉप्स आपके जब डैमेज होंगे कॉटन और मुख्तलिफ, तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स जो रुकावट आ जाएगी और इंपोर्ट्स में मज़ीद इजाफा, तो डॉलर की आपके जो रिजर्व्स है वो रन आउट हो जाएंगे। रिजर्व्स रन आउट हो जाएंगे अगर तो जाहिर सी बात है डॉलर का जो मुल्क के पास नहीं होगा क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी करेंसी डी वैल्यू होगी, और करेंसी डी वैल्यू का हम दूसरे उसका अल्फाज यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन, तो एक इन्फ्लेशन भी आ सकती है। तो ये सब खतरा है हमारी मार्केट को इस वक्त। बहरहाल ये सारी जो कुछ मिक्स सिचुएशन है, जैसे FATF की कुछ गुड न्यूज़ चल रही है वो चल गई तो बहरहाल मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। बहरहाल ये तो काफ़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, अभी हम आ जाते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम पे। आवर्ली टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देखेंगे तो नो न्यू सरप्राइज, तकरीबन लेवल्स तो वही रहने हैं। मार्केट में एक जो मैं सबसे अच्छी चीज़ देख रहा हूँ मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट अटैम्प्ट, और अब वंस अगेन ये एक हम लोगों को ट्राइंगल पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे एक मार्केट अब ट्रायंगल पैटर्न भी कर रही है, और बुल्स की तरफ से हम एक कंसिस्टेंट अटैम्प्ट देख रहे हैं हाई की तरफ, मतलब बुल्स आपकी कंसिस्टेंटली अटैम्प्ट करें कि इस हाई को ये ब्रेक करें, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करती, बहरहाल ये दोनों तरफ होता है ना चांसेस, हम लोग को दोनों तरफ सोचना चाहिए। अब ये बात अलग है कि भाई बुल्स की अटैम्प्ट तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन हम लोग को फ्लिप साइड पे भी देखना चाहिए कि अल्लाह ने कहा कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट में मंदी आ सकती है। बहरहाल ये कि मार्केट जब भी एक लेवल को बार बार रीटेस्ट करेगी तो वो लेवल वीक होता रहेगा। जितने सेलर्स हैं अल्टीमेटली इधर, जो पहले आप 10,000 शेयर बेच रहे थे आपको 1,00,000 शेयर से, तो आपने 10,000 बेचे, फिर 10,000, फिर 10,000, अल्टीमेटली आप रन आउट हो जाओगे और बायर्स विल विन और वो अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। या फिर दूसरा क्या चीज़ हो सकती है कि बायर्स जो है उनके पास अब अमाउंट ख़त्म हो जाए और फिर वो मार्केट नीचे चली जाए। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। अब क्या कर रही है, मार्केट हायर लोस मार रही है। हायर लोस का मकसद क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही, फिर जब नीचे आ रही है तो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रही बल्कि उससे ऊपर से ही बाइंग आ रही है मार्केट में।
फिर जब नीचे आ रही है तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहे, उससे पहले से मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर हम देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये मेन मकसद है कहने का कि बाइंग हम लोग को मार्केट के अंदर थोड़ी थोड़ी दिख रही है, वॉल्यूम्स के अंदर इजाफा हो रहा है जो कि मार्केट के अंदर कुछ हद तक क्लियरिटी लाना चाह रहा है। बहरहाल अब हम 15 मिनट में अगर मार्केट को देखते हैं तो 15 मिनट में सब मैं क्लियर कर दूँ, तो मार्केट इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रही 42,050 से 42,100 के लेवल से, ठीक है। मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। इसको भी इवन मार्केट ब्रेक भी कर देगी ना 42,100, तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आना है 42,200 का, ठीक है। और आप देखेंगे कि मार्केट जैसे ही 42,200 को ब्रेक करेगी, आपकी असल रिकवरी, जो सही मायनों में रिकवरी कहते हैं ना, वो शुरू होगी। और कहाँ तक शुरू होगी, फिर जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 42,500, फिर 42,750 से 800, फिर वन सेकेंड 43,000 का लेवल आएगा। बीच में ऑल द मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट को होगी, माइनर रेजिस्टेंस 350 का लेवल एक हो गया, एक 600 का लेवल हो गया 42,600, तो बीच में आएंगे, लेकिन जो मेजर लेवल्स बचेंगे 42,500, 42,750 और 43,000, ये फिर मार्केट आगे आने वाले दिनों में टारगेट कर सकती है। और अगर मार्केट फ्लिप साइड पे कल के दिन जैसा बताया गया था 43,900 का ही लेवल, 41,900 का ही लेवल का अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो आप इंट्राडे बाय पोजीशन में रह सकते हैं। अब वही लेवल रहेगा 41,900, मार्केट में हम बाइंग देख रहे हैं यहाँ से। अल्लाह ना करे ये ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। फिर जो स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 41,800 और फिर जो होगा 41,670। अब ये क्या मसला ये है कि सपोर्ट लेवल पे मैंने जो सपोर्ट लेवल दिया वो 100-100 के डिफरेंसेस है। जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर क्योंकि वॉलीटिलिटी इतनी कम है, मार्केट पूरे दिन में 200 पॉइंट घूमती है, तो इसलिए जो आपके सपोर्ट लेवल है वो थोड़े करीब करीब है। पर अब तो काफ़ी आज लंबी हो गई वीडियो, मतलब कि यूजुअली 10 मिनट के अंदर मैं ये टेक्निकल एनालिसिस कर देता था। अब चलते कुछ स्टॉक्स की तरफ और कुछ स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपके कॉमेंट्स भी लेंगे हम। अब बात करते हैं TRG की, हम स्टार्ट करें TRG से। TRG के दरअसल में क्वेरी है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जैसे प्रीवियसली जब ये यहाँ पे था TRG, आप मेरी वीडियो देख लीजिए 6 सितंबर की है ना, आप इसी के आसपास की डेट देखें, 5 और 4 सितंबर की वीडियो देखें, उस दिन हमने आपको उसकी बाय कॉल दी। उसकी वजह आप लोगों को बताई गई थी कि एक बड़ी मूव के बाद एक करेक्शन का तकरीबन एंड हो चुका है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें हमारी बाय कॉल दी गई थी, आप विद डेटा, क्योंकि अब तो आप लोगों का प्रूफ है ना, आप वीडियोज़ के थ्रू देखें, हमने आपको इधर बाय कॉल दी थी। अच्छा, फिर आपको 95 इसके पास तकरीबन 9 सितंबर 10 सितंबर के दिन ही बताया गया था कि अब यहाँ से TRG इस हाई को ब्रेक कर सकते हैं 101 के, ठीक है। और आज हमने देखा TRG ने हमारे गिवन लेवल को ब्रेक कर दिया जो हमने आपको टारगेट दिया था। अब क्या लेवल आ रहा है TRG के पास, अब दो मेजर लेवल आ रहे हैं 105.24 और 107.50, आप समझ लीजिए। अब ये जो लेवल होगा, मान लीजिए, मुझे क्या लगता है कि पॉसिबल ये हो सकता है, अब तो ये कि जाहिर सी बात है ओवरबॉट हो गया होगा, मैं RSI चेक कर लेता हूँ, वैसे तो ओवरबॉट ही होगा तो देखने का फ़ायदा नहीं है, स्टिल आप देखेंगे तो ये हाईली ओवरबॉट रीजन के अंदर है इस वक्त TRG। तो ये पहले शो करते हैं कि आपने अब स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। क्यों? पहली वजह कि ये TRG जो है इसने एक तेज़ी की 86 से डायरेक्ट तक 104, बीच में एज सच कोई करेक्शन नहीं, ये फ्लैट करेक्शन आई थी, इसको कहते हैं फ्लैट करेक्शन, लेकिन इसमें एज सच कोई इसने डिप नहीं ली। वन सेकेंड इसने तेज़ी की है, तो पॉसिबल ये कि अब ये वापसी कल के दिन अगर हाई साइड पे खुलता है जो कि एक्सपेक्टेशंस है, और ये मान लीजिए कल के दिन अगर 105 का भी लेवल ब्रेक करे, 102 के पास बन रहा है, 105 का लेवल बंद कर ब्रेक करता है, तो फिर ये जो मैं समझता हूँ 105 से 107.50 पॉसिबल ये चेस कर ले, 106.50 से 107.50 कल के दिन चेस कर ले, लेकिन उधर से मुझे क्या लगता है प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लिहाजा स्टॉप लॉस के साथ काम करें। क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है अगर कल के दिन ये हाई जाता भी है तो ये 105 के नीचे, ये 105.30 के नीचे क्लोजिंग देगा, 105.30 रुपये के, ये मेरा व्यू है। बहरहाल काफ़ी फैक्टर्स को मैंने इसमें अंदर कंबाइन किया है, और तो अगर ये 105 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो और इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चले, क्योंकि कहते हैं ना लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लॉसेस शॉर्ट, तो ये जीती हुई ट्रेड है, इसको मजीद लंबा खेलना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें, कल के दिन पॉसिबिलिटीज है हाई साइड से इसके अंदर रिजेक्शन आ जाए TRG के अंदर। जो इंट्राडे में बाय लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हाईली रिस्की ट्रेड है, स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर इंट्राडे बाय पोजीशन भी बनाई जा सकती है। अब एक कमेंट था जो कि सॉरी कल के दिन मतलब दो दिन पहले की वीडियो पे भी आया था तो मैं दे नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली, तो कल के दिन भी कमेंट आया है लकी सीमेंट के हवाले से। बहरहाल
देखिए लकी सीमेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने पहले इसके ऊपर एनालिसिस की भी थी और मोर दी लेस इसका काफ़ी हद तक वही सीन चल रहा है। लेकिन चले आज आपके कहने पर वन सेकेंड हम एनालाइज कर देते हैं लकी सीमेंट को। लकी सीमेंट देखिए इस वक्त अच्छा है, वो मैंने पहले भी रीज़न बताई थी, फ्लड है और जो भी कंस्ट्रक्शन वापसी होनी है तो उसकी वजह से सीमेंट चलेगा। और उसकी वजह से हमने एक इसमें रैली भी देख ली। अभी सीमेंट्स की क्या सूरत हाल है, कुछ सीमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। चिरार सीमेंट को हटा दे, जैसे डीजी केसी हो गया, समझे डीजी केसी है, 53 रुपये के पास था डीजी केसी, इसने एक रैली की किधर तक, 65 रुपये तक, उसके बाद इसने करेक्शन भी ली 58 रुपीज़ तक और फिर एक और हाई साइड पर आया है वापसी। इसी तरह पायनियर सीमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया था, 60 के पास से चला 70 और फिर वापसी 65 आया। अब जो लकी सीमेंट है ये थोड़ा सीमेंट से पीछे चल रहा है बाकी सीमेंट के मुताबिक। ये क्या है, ये वहीं पे ही रुका हुआ है, फ्लैट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर आया हुआ है, विच मीन्स ये एक डिसीजन टेकिंग कर रहा है। RSI आप देखें नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है, नेगेटिविटी शो कर रहा है बहरहाल। लेकिन ये यहाँ पर कंसोलिडेशन को आप अनक्लियर सिचुएशन कह लीजिए, ये अनक्लियर सिचुएशन है। पहले जो आपको लेवल दिया गया था कि भाई इसके अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और जो भी चीज़ें कल पहले की वीडियोस में बताई गई थी, मोर दी लेस सिस्टम सेम है इसका। फिलहाल मैच के अंदर देखिए ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, ठीक है, फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन के अंदर, और ज़बरदस्ती मैं कोई ट्रेड बनाना नहीं चाहता हूँ कि भाई आप ज़बरदस्ती इसके अंदर ट्रेड लें, ठीक है। बहरहाल ये दो लेवल है, 506 और 520 रुपये का लेवल है। ये जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा उसी तरफ इसके अंदर बन सकती है मजीद मूवमेंट। ये बेसिकली आप इसके ट्रिगर लेवल्स कह लीजिए, बाकी के जो डिटेल लेवल्स है इसके अंदर देखने के लिए मैंने आपको मेन बता दिया, 520 के ऊपर तेज़ी, 506 के 507 के नीचे थोड़ा इसके अंदर प्रेशर बन सकता है। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, लकी सीमेंट लेटेस्ट शायद 3-4 पहले की वीडियो ही होगी, उसके अंदर जब टाइटल पर लकी सीमेंट लिखा हुआ होगा आप वाली वीडियो देख लीजिएगा, मजीद आपको डिटेल पता चल जाएगी। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं, और मेरी कोशिश होती है मैं आप सबके ही बेसिकली क्या कहते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूं, ठीक है, तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं प्राइवेटली। मैं अभी ये कि मेरे सामने कमेंट्स ही खुले हुए, HN मैट्रिमोनियल ने कहा है सर्ली एंड GGL, तो मैं GGL को आज एनालाइज कर देता हूं। GGL की बात की जाए तो GGL करेंटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी इन लेवल्स के पास इसमें एक बहुत सपोर्ट आई हुई है, उस इवन ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता था कि मैं 10 रुपये का, तो इसके नीचे इमीडिएट लेवल 9 रुपये 80 पैसे का 50 पैसे का था ही था। अच्छा अब करंटली अब समझे GGL की कहानी, GGL ने एक अच्छी तेज़ी की, किधर से की इसे तेज़ी, 10 रुपये 9 रुपये 50 पैसे से तकरीबन 13 रुपये तक गया, अराउंड 30 to 35% इसने गेन किया, उसके अगेंस्ट उसने करेक्शन ली, ठीक है। ये 50% से 61% के एक तरफ से बाउंस बैक करने की इससे कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि ये शो करता है कि इसके अंदर तेज़ी तो है ही नहीं, ठीक है। मैं पहले इन चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात कर चुका हूँ। अभी कि इसने आप देखें तो लाइन से ये तकरीबन रेड कैंडल्स बनाई है, अब जाके आज ग्रीन कैंडल बने, काफ़ी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, इसके अंदर थोड़े वॉल्यूम्स भी बेहतर लगे। देखिए ये एक शो करता है कि कोई अगर रिस्की ट्रेड लेना चाहता है 10 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता है बाय ट्रेड, और इनिशियली 11 रुपये 16 पैसे पे 11 रुपये 50 पैसे पे 12 रुपये को टारगेट करे बंदा, ये रेजिस्टेंस लेवल है। बहरहाल जो ट्रिगर करेगा उसको बाइंग वो 10 रुपये 70 पैसे के ऊपर, सॉरी 80 पैसे के ऊपर क्लोजिंग होगा, ठीक है, ये उसके ऊपर क्लोजिंग आ सकती है, तो फिर ये बेहतर होगा, ठीक है। तो उस तरफ आगे की तरफ मूव कर सकता है ये 11, 11.5, 12 रुपये तक इनिशियली मूव कर सकता है, 12 रुपये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेक करता है, मजीद इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। तो ये क्या स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बनाई जा सकती है एंट्री, ऑल दो मेरे फिलहाल टॉपिक्स के अंदर नहीं है, ऑल दो बेहतर है इसके अंदर ट्रेड बनाई जा सकती है। कल के दिन जैसे TPLP आपको खास बताया गया था। बहरहाल अभी GGL की बात करें हम, GGL के भी हवाले से अब्दुल रहमान ने पूछा है, GGL की भी बात की जाए, पहले आपको इसमें बाई कॉल दी चुकी है, उसके अंदर इसमें मूवमेंट भी आई, लेकिन उस तरीके से मूवमेंट नहीं है जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था GGL के अंदर पर्सनली स्पीकिंग। और तो आज की अगर आप मूवमेंट देखें तो 50 पैसे गेन भी किया, वॉल्यूम्स भी अच्छे आए, ठीक है, तो ये काफ़ी एक उम्मीद दिलाता है। लेकिन अब जो बात है ना वो ये कि इसने एक तेज़ी की थी, उसके जो इसने 61 अच्छी खासी करेक्शन की उसके अगेंस्ट उसने, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, मतलब कि इसके अंदर अभी भी बियर्स के अंदर पावर है, कम्प्लीटली बुल्स के अंदर पावर नहीं आया, ये बेसिकली ये चीज़ शो करता है। बहरहाल तो इसके अंदर मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, जैसे मैंने GGL के अंदर बात की, GGL तो रिकवरी ज़रूर इन दोनों में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ।
अच्छा, इसकी मिनिमम रिकवरी अगर हम बात करें, मिनिमम टारगेट्स, तो इसके अंदर अब थोड़ा आपको सिचुएशन इसकी भी समझा देता हूँ। मेरा वीडियो बहुत लंबी हो रही, बस ये आखिरी स्टॉक होगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो उन चीज़ों के इसमें डिटेल में चला गया। बहरहाल अभी देखें, डबल जीएल ने एक तेज़ी की, हायर हाइज का सिलसिला मौजूद था, उसके बाद अब इसके अंदर मंदी आई और फिर इसने एक लोअर हाई मारा। अब ये क्या कर रहा है, ये जो हाई मारा ना 17 से 15.5 के जितनी करेक्शन की, उसके अगेंस्ट एक रिकवरी कर रहा है, और उधर भी हम ये कंफर्म नहीं होंगे कि ये अब इस लेवल को ब्रेक करेगा। पॉसिबल होगा भाई वापसी अल्लाह ना करे अपने लो को ब्रेक करने आ जाए, जिसकी कम उम्मीद है, लेकिन हम लोग को इसके ऊपर भी उम्मीद है, मतलब कि हम लोग को हर चीज़ों से सोचना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं एक कॉल है ना कि कायद आज़म ने कहा है कि उम्मीद हमेशा अच्छी की करनी चाहिए लेकिन तैयारी हमेशा बुरी की करनी चाहिए, ठीक है। प्लान भी आपके पास हमेशा एक प्लान भी होना चाहिए। बहरहाल मैक्सिमम यहाँ से हम 16.5 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 16.5 का अगर ये ब्रेक करता है तो उम्मीद ये होगी कि मजीद जो लेवल है वो है 17 से 17.5 तक ये मूवमेंट दिखा दे, ठीक है, अगर 16.5 को ब्रेक करता है 16.5 को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मूव्स आप भी देख सकते हैं, अभी भी लेना चाहे कोई तो स्टॉप लॉस लगा ले अपना 15.5 के नीचे, ले ले ट्रेड। लेकिन मैं पर्सनली स्पीक मेरे टॉपिक्स के अंदर नहीं है, जो होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कोशिश यही रहेगी इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लाता रहूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।